हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ आप सीएससी पोर्टल से कैसे उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना आईडी पासवर्ड से लॉगिन हो जाएंगे, आपको सर्च करना पड़ेगा उद्यम रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप सर्च करते हैं, आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद आपको आधार कार्ड नंबर और नेम से लॉगिन होना पड़ेगा। जैसे ही आप आधार कार्ड नंबर और नेम डालते हैं, वैलिडेट ओटीपी पे आप क्लिक करेंगे, ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे सेंड हो जाएगा, इसको वैलिडेट करेंगे। पैन कार्ड का डिटेल मांगा जा रहा है। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप यहाँ पे आप टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में प्रोपराइटर चूज़ करेंगे, अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डालेंगे, उसको वैलिडेट पैन कार्ड करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आईटीआर और जीएसटी, अगर आपके पास है तो इस पर एस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। फिफ्थ पॉइंट वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। सिक्स पॉइंट में आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। सेवेंथ में आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे। वीडियो शॉर्ट करने के लिए मैं वीडियो को पॉज करके इसको फिल कर रही हूँ। अपना सोशल कैटेगरी चूज़ करेंगे, जिस भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं, जेंडर और अगर स्पेशल एबिलिटी है तो यस, अदरवाइज नो आप टिक करेंगे। बाद आता है बिजनेस डिटेल्स। पहले आपसे पूछा जाएगा एंटरप्राइज का नाम, अगर यूनिट्स हैं तो यूनिट्स, और उसका लोकेशन एड्रेस आपको पूरा फिल करना है। इसके बाद आप ऑफिशियल एड्रेस, जो भी अगर हेड ऑफिस है तो हेड ऑफिस का एड्रेस आएगा, अदरवाइज आपका जो भी ब्रांच है उसका एड्रेस आ जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा अगर आपने पहले उद्यम आधार में रजिस्ट्रेशन किया हो या नहीं, तो आप अगर करा है तो यहाँ पे येस कर दीजिएगा, अदरवाइज ना पे क्लिक कर दीजिए। अब उसके बाद आपसे पूछा जाएगा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इसको सेलेक्ट कर दीजिए। अगर आपका बिजनेस प्रोडक्शन रिलेटेड है तो आप इसको येस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट आपकी बैंक डिटेल्स मांगी जाएगी। जो भी बैंक डिटेल्स है, बैंक नेम, आईएफएससी कोड और बैंक अकाउंट नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे। 17th पॉइंट पे पूछा जा रहा है आपकी मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस है, और ट्रेडिंग है या नॉन ट्रेडिंग, ये अपने हिसाब से आप इस पे टिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेशनल इंडस्ट्रियल कोड्स के हिसाब से अपना जो भी काम है उसको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आपने एम्प्लॉयज़ कितने रखे हैं, अगर कोई भी नहीं है तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से एक एक कर सकते हैं, क्योंकि हमने प्रोपराइटर दिया हुआ था। इसके बाद आपसे हमसे टर्नओवर पूछा जा रहा है बिजनेस का, आप उसको भी फिल कर लीजिए जैसे आपका टर्नओवर है। यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे हैं, आप इसको पढ़ के अपने हिसाब से एस या नो कर सकते हैं। अगर आप ई मार्केटिंग और ट्रेड पोर्टल पे भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज़ आप यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद आप सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, यहाँ पे आपका डिटेल करेक्ट चेक करने के लिए बोलेगा। उसके बाद दोबारा ओटीपी और कैप्चा डाल के आप फाइनल सबमिट करेंगे। उसके बाद आप पेमेंट गेटवे पे चले जाएंगे। यहाँ पे आपको 1 रुपया पे करना होगा अपने सीएससी पोर्टल से। अगर आप डायरेक्ट वेबसाइट से करते हैं तो वहाँ पे कोई पैसे नहीं है, मगर सीएससी से ये 1 रुपया ले रहे हैं। यहाँ पे आप अपने सीएससी आईडी का पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद आप अपना वॉलेट पिन डाल के 1 रुपया पे करेंगे। जैसे ही आप 1 रुपया यहाँ पे करते हैं, उद्यम रजिस्ट्रेशन वाले आपको एक रेफरेंस आईडी दे देंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आप इसको ओके कर देंगे। जैसे आप कॉपी कर लीजिएगा, कहीं पे लिख के रख लीजिएगा, और उसके बाद जो पेज आता है वो प्रिंट करके आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं। सर्टिफिकेट तुरंत नहीं आता, 1 या 2 दिन के बाद आता है, तो आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्च करना होगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट के, यहाँ पे जाके जो भी रेफरेंस आईडी मिला है वो और मोबाइल नंबर डाल के आप यहाँ से सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं।